guys, I'm Saloni. Welcome to my channel Saloni's Bag. Today I show you how to remove blackheads. So first of all guys, मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ जिनके फेस पे अभी ब्लैकहेड्स नहीं है। तो ऐसे लोग जिनके फेस पे ब्लैकहेड्स नहीं है, वो कभी बाहर जाते हैं, उनके फेस पे बहुत सारे डट्स एक्सप्लोर होते हैं, उनकी फेस ऑयली हो जाती है, जिससे क्या होता है ब्लैकहेड्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनको क्या करना है, वो जब भी बाहर से आए तो उनको अपना फेस स्क्रब करना है। आप किसी भी मार्केट प्रोडक्ट से अपना फेस स्क्रब कर सकते हो। वैसे मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, एलोवेरा जेल फेस स्क्रब, आप उससे भी अपना फेस स्क्रब कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। स्क्रब करने से क्या होगा, हमारे फेस पे जितने भी डट्स थे वो सारे क्लीन हो जाएंगे, वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ब्लैकहेड्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, इनफैक्ट आपके ब्लैकहेड्स आएंगे ही नहीं। सो अब मैं बात करूंगी जिनके फेस पे ब्लैकहेड्स ऑलरेडी हैं, तो उनके लिए मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी लेके आई। सो गाइज, आप ये देख सकते हो, व्हाइट ग्लू। यस गाइज, इससे हम आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क करते हैं, या फिर कोई भी हमारी क्रिएटिविटी है जिसमें हम ये व्हाइट ग्लू यूज करते हैं। यस गाइज, आपने कभी भी देखा होगा ये हमारी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। हम कभी भी क्रिएटिविटी करते हैं, कभी भी ऐसा होता है जब हमारे हाथ में ये व्हाइट ग्लू लग जाता है, फेविकॉल लग जाता है, तो क्या होता है हमारी स्किन पे जरा सा भी हार्म नहीं होता। मैं इसको ऑलरेडी बहुत बार यूज कर चुका, ये मार्केट प्रोडक्ट से बहुत ही ज्यादा लो प्राइस में आपको मिल जाएगा और ये बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है हमारे स्किन को। तो आज के रेमेडी में मैं यूज करने वाली हूँ व्हाइट ग्लू एज अ पील ऑफ मास्क। सो गाइज, ऐसे अगर आप मार्केट से कोई भी पील ऑफ मास्क परचेज करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, और ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, और वो बहुत पेनफुल भी होता है। और इससे मैं आपको बता रही हूँ, इससे बिल्कुल भी आपको पेन नहीं होगा जब आप इसको यूज करोगे और इसको रिमूव करोगे तो। और इससे आपको फर्स्ट यूज में ही बहुत ही अच्छा और बेहतर रिजल्ट मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ, आपको अभी मैं करके दिखाने भी वाली हूँ। तो गाइज चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज, अब मैं क्या करूंगी, जहाँ पे भी मेरा ब्लैक हेड्स है वहाँ पे मैं ये व्हाइट ग्लू अप्लाई करूंगी एक ईयरबड की हेल्प से। तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे ईयरबड पे व्हाइट ग्लू लेना है आपको और इस ईयरबड के हेल्प से जहाँ पे भी आपका ब्लैक हेड्स है ये मैं इसको अप्लाई करना है, जहाँ पे भी ब्लैक हेड्स हैं तो आप इसको अच्छे से अप्लाई कर लें इसके हेल्प से। मेरा स्किन बहुत ही ऑयली है तो इसलिए मेरे ब्लैक हेड्स बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, तो मैं ये रेमेडी बहुत बार यूज कर चुकी हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपको करके दिखाने भी वाली हूँ। ये रेमेडी मैं बहुत बार ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। सो गाइज, अब मैं इसको छोड़ दूंगी सूखने के लिए। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरी तरह से सूख चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से सूख गया है, ये प्रॉपरली सूख चुका है अच्छे से। तो अब मैं इसको पील ऑफ करूंगी। और ये गाइस आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी पेन नहीं होता है इससे, ये बहुत ही जेंटली अच्छे से पील ऑफ हो जाता है। इसमें मेरे एक दो जितने भी ब्लैक हेड्स थे वो सारे इसमें चिपक गए और सारे निकल गए हैं, जितने भी थे रिमूव हो चुके हैं। ये देखिए कितनी स्मूथली निकल रहा है। बिल्कुल भी पेन नहीं होता इससे,
और मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, पिल ऑफ मार्क जो भी होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पेन करते हैं रिमूव करने में। और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है, और मेरे जितने भी ब्लैक हेड्स थे इसमें चिपक चुके हैं, मेरे सारे ब्लैक हेड्स रिमूव हो चुके हैं। आप देख सकते हो मेरी नोज़ कितनी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है। इसको भी पिल ऑफ कर लेती हूँ। आप देख सकते हो मेरा यहाँ का एरिया कितना ज्यादा एकदम क्लीन लग रहा है। सो गाइज, कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। सब्सक्राइब के साइड में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसमें ऑल का ऑप्शन आता है, आप उसको प्रेस करें ताकि मेरे और भी अच्छे अच्छे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।